रखा है वो जो दूसरी जब उन्होंने दोनों इनिंग्स में 100 करा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि किसी को बाहर करो अंदर करो, आज मेरा मन नहीं नहीं क्यों खत्म करते, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे तो लग रही है, क्यों ये हम क्यों बात कर रहे हैं, वो ड्रॉप कर दो, कर दो ड्रॉप, अब ये मत बोलो ना कि वो कॉन्फ्रेंस का बोलते हैं हमारे दो बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाज वही बोल रहा हूं मैं, बड़े बल्लेबाज ये मत बोलो, 5 साल से वो कोई तर्क नहीं, रहाणे ने खुद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेले हम वो मैंने कल बात मत करो मनोज, जिसका जिसका कोई बेस नहीं है इसके बारे में मैं खुलकर नहीं बोल सकता, क्या कोई बातें मत बोलो भाई, आपने क्या देखा, लेकिन ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड 2017 से डिफरेंट है ना, हां लेकिन 2017 में क्या हुआ मैं बार-बार नहीं दोहराना चाहता ना, क्या हुआ था मैं नहीं बताना चाहता, क्या बताओ तो बताओ, उन चीजों के बेसिस पे जो हम बता नहीं सकते हमारी एक धारणा है तो वो तो समझ नहीं आती, किसके पास होता है आप जाके सुनिए पहले, धीरज आप इधर आ जाइए, पत्रकार है आप, महान पत्रकारों की लॉबी आती है, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे उस दिन वाली, विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या बोलते हैं और उसको लेते हुए आगे जाएंगे और बात करेंगे अब, और जो उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी क्योंकि उस टाइम में होता है कि कुछ कुछ हिस्सों में चीजें जो सुनी थी क्योंकि लेट भी थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी, आप इधर आ जाइए, जो अभी विराट की लास्ट हुई थी जिसमें आपने कह दिया था कि विराट ने अपोलोजाइज नहीं किया, 25 साल बोले कि बैटिंग कोलैप्स हम एक्सेप्ट करते हैं, रहाणे को ड्रॉप करोगे आपके हिसाब से, मेरे ख्याल से अभी अब क्योंकि वो इतने फेलियर उनके हो गए हैं कि आप इजीली बोल सकते हो कि रहाणे को ड्रॉप कर दो तो आपके लिए हो गया, इसीलिए बता रहा हूँ जो भी चार गए उसके बाद आप परफॉर्मेंस तो देखोगे ना, उसके बाद क्यों देखो, उसी टाइम बोल रहा हूँ, आपने पहले बोला के एल राहुल सीरीज के सबसे बड़े, आपने उसको छोड़ दो, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ उसकी बात करो, मैं छोड़ दो, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, तो आपने पहले बोला रहाणे ने 40 बनाए, आपने खुद बोला इसने अपने रन बनाए, बोला था कि नहीं बोला, पुजारा रहाणे दोनों बोला था कि नहीं नहीं पुजारा को बोला था कि नहीं बोला था, पुजारा को स्पेसिफिकली आपने बोला कि पुजारा ने अपने रन बनाए, उन्होंने अपने 40 बना लिए अब ये मैच खेलेंगे, ठीक है आपके खुद के शब्द, मैंने नहीं बोला, आपने बोला पुजारा ने अपने रन बना लिए खेलेंगे, तो जब आप बोल रहे हो कि अपने रन बना लिए तो फिर क्यों खिला रहे हो भैया भाई, और उसके अगले मैच का नतीजा क्या हो गया, क्योंकि ये स्टैट तब भी ट्रू था, दो मैच पहले भी ट्रू था, तब आप रहाणे के स्टैट्स बता रहे हो ना, पुजारा के स्टैट्स जो है ना, जो भी पुजारा की कंट्रीब्यूशन है ना इतनी ज्यादा नहीं, ऐसा तो हो नहीं वैसे, पर अगर क्रिकेट में 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, मैं पहले टेस्ट में आता हूँ सेंचुरी मार देता हूँ, क्या मेरे को 4 टेस्ट इसलिए मिलेगा कि भाई ने एक मैच में सेंचुरी मार दी, 4 मिल गए, चलो 4 मिल गए, फिर एक पैटर्न बनता है कि मेरे को फिर छठवां टेस्ट मिलता है, मैं यहाँ आगे सेंचुरी मारता हूँ फिर मुझे रन मिलेंगे, फिर मैं बाकी में 10-15-20 में आउट हो, तो ये चीज गलत है, आपको कंसिस्टेंटली मैंने आपसे क्या पूछा और आप जवाब क्या दे रहे हैं, अगर ये टीम बेस्ट नहीं होती तो बेस्ट टीम जीत गई है डब्ल्यूडीसी फाइनल, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, और एक छोटी सी देश है जो आपसे बहुत छोटा साइज में भी और पैसे में भी है, वो आपको हरा के बड़ी बुरी तरह रौंद के चला गया, जहां आपको ड्रॉ तो कम से कम करा लेना चाहिए था, आप वो भी नहीं कर पाए, तो ठीक है ना, तो उस दिन देखो उसी टाइम पर कम से कम आपको ड्रॉ करा, पहले आपको और आप बेस्ट बोल रहे हैं तो मेहरान हूं मैं, फाइनल आप खेलो तो बेस्ट तो हो गई ना, फाइनल आप तो दिल्ली बेस्ट है, फाइनल ऑस्ट्रेलिया भी वहां दिल्ली बेस्ट है, मतलब आईपीएल में किसमें आईपीएल में फाइनल खेले, फाइनल खेले तो बेस्ट होगी, ऑब्वियसली बात है, ये तो कहोगे आप, देखो डब्ल्यूटीसी फाइनल सचिन जब सीरीज खेलते थे टेस्ट सीरीज खेलते इंग्लैंड के, मान लो उनका 5-5 या 4 ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है सिडनी में आए पूरे आप बाहर कर दोगे, ये तो रैंडम बात, सचिन रैंडम सवाल अलग ही लेवल पे, बिल्कुल ही रैंडम सवाल, विराट पे आज बिल्कुल ही रैंडम, विराट अगर एक मैच हारे एक जीते फिर एक लगे चौथे में झटके तुक्के से जीत जाए, मैं उसमें कम मैं चाहता